Are you afraid? I was wondering, क्या डरना बुरी चीज है? Please, don't worry. मुझे पूरा भरोसा है that we will come out of this. भरोसा तो मुझे भी है, but कैसे protect करें हम soul of IGG को? Can't you see? इसकी रोशनी कम होती जा रही है, and ऐसा पिछले हजार सालों में नहीं हुआ है. शायद तुम भूल रहे हो, अब सही समय आ गया है कि हम प्योर हार्टेड सोल को आईजीजी आने का न्योता दें. आई थिंक इट्स टाइम टू ओपन द पोर्टल. क्या हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने सही कहा, अब हमें उनकी मदद लेनी ही होगी. वी हैव टू पुट आवर प्लान इन एक्शन. हाउ आर यू प्रोफेसर? आई एम गुड. अच्छा हुआ आपने खुद हमें कांटेक्ट किया, नहीं तो मैं करने वाला था. ओह रियली? हाँ प्रोफेसर, हमने उस प्लान को एक्टिवेट करने का डिसीजन ले लिया है. दैट्स ग्रेट, हम भी वही सोच रहे थे. प्रोफेसर हम तो कब से रेडी है, एंड दिस इज द मेन रीजन फॉर ज़ाज़ा टू बी ऑन सारस. उसने खुद अपने आप को पकड़वाया है. ही इज रेडी टू ब्रिंग योर मैन. तो क्या आप पोर्टल? हाँ, हम कल ही पोर्टल खोलने वाले हैं. गेट द मैन रेडी, बाकी सब डिटेल्स आपको जल्द ही मिल जाएंगे. क्लाइमेट चेंज की वजह से सारस का टेम्परेचर हर साल के मुकाबले से इस साल ज्यादा है, एंड अल्ट्रा वायलेट रेज भी ज्यादा हो गए हैं. डॉक्टरों का मानना है कि इसकी वजह से बहुत से बच्चों में स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो रहे हैं, खास करके इम्यूनो डेफिशिएंसी इश्यूज. क्या बकवास है ये? आरोपी से 25,000 की रिश्वत लेते हुए पुलिस हवालदार का वीडियो हुआ वायरल. राइजिंग टेम्परेचर के कारण जू के सभी एनिमल्स हुए गर्मी से परेशान और बीमार. What am I doing here? ये कोई इंसानों की रहने की जगह है? जहां देखो सारस में नेगेटिव ही नेगेटिव न्यूज़ है, और गवर्नमेंट इन इश्यूज़ को सॉल्व करना ही नहीं चाहती. इनफैक्ट वो और पावर चाहते हैं, ताकि नेचर का और नुकसान हो सके और उनको और प्रॉफिट्स और पैसा मिले. इज दिस अ प्लेस टू लिव? देव, कुछ हुआ है क्या? तुम तो कभी ऐसे रिएक्ट नहीं करते हो. सो व्हाट हैपेंड टुडे? तंग आ गया हूं मालिनी मैं. I'm done with all this. देखो देव, मैं समझती हूँ जो तुम कहना चाह रहे हो, but do we have a solution for this? चलो ना, हम सब IGG ही चलते हैं. That is the only place which is uncorrupted and perfect for pure people to live. क्या? चलो एक moment के लिए मान भी लेते हैं कि IGG people want us there. But portal का क्या? उसको ओपन करने के लिए आईजीजी और एजीई दोनों का ही कंसेंट लगेगा. और तुमने कितनी बार ट्राई किया है टू कन्विंस एजीई, बट कभी कुछ फायदा हुआ है? उठाओ मालनी, पक्का कुछ इम्पोर्टेंट ही होगा, अदरवाइज ला एंड लूना ऐसे कभी भी डायरेक्टली कॉल नहीं करते. हेलो, कैसी हो एजेंट एम? ऑल गुड प्रोफेसर, आप बताइए, कुछ इम्पोर्टेंट? आपने आज स्केड्यूल से पहले ही कॉल किया है. एक्चुअली आईजीजी में थिंग्स आर नॉट सो गुड एजेंट एम, इसलिए अब टाइम आ गया है हम अपने प्लान को एक्शन की तरफ ले जाएं. एजेंट डी, तुम कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ प्रोफेसर, आप बताइए कि आईजीजी में क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी ठीक नहीं है एजेंट डी. आईजीजी पर दिन पर दिन थ्रेट बढ़ता ही जा रहा है, एंड इसके अलावा सोल ऑफ आईजीजी जो हमारा सबसे बड़ा पावर रिसोर्स है, वो आजकल कम रोशनी से चमकता है और हमारे पावर्स भी वीक हो रहे हैं. अब टाइम आ गया है. अब एस्ट्रो ब्रदर्स को ही ले लो, दे केम इन एज गेस्ट फैकल्टी एंड उनके इंटेंशंस हमें पहले से ही पता थे, इसलिए हमने ट्रेनीज को उनको हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी. उनके ब्रिलियंट आइडिया ने इस बार हमें बचा लिया, बट एजेंट डी, दिस इज अ वार्निंग. That soul of IGG is an immense threat. External forces हर वक्त हमें target कर रहे हैं. I understand. तो क्या हम उसी plan को activate करेंगे? हम चाहते हैं कि तुम ज़ाज़ा को लेके IGG आओ. Because we want you here. और हमें पता है कि तुम ही pure hearted soul हो. तुम्हें portal के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है. Because ज़ाज़ा AGE का ही agent है.
टुमारो मॉर्निंग द पोर्टल इज गोइंग टू ओपन। अब तुम अपनी तैयारी पूरी कर लो आईजीजी आने के लिए। फाइनली, मैं तो हमेशा से तैयार था। कहाँ जा रहे हो? आई कांट बिलीव इट मालिनी, कल ही मुझे आईजीजी जाना होगा। उसके लिए कुछ तो तैयारी करनी होगी ना देव। बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ हाँ मालिनी, तुम्हें कब से परमिशन लेने की जरूरत पड़ गई? तुम्हें नहीं लगता देव ये सब काफी जल्दबाजी में हो रहा है? मालिनी, आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी फॉर सो मेनी इयर्स। फाइनली इस बार एजीई ने भी हाँ बोल दिया है, मुझे जाना ही होगा। आर यू श्योर देव? यू आर द प्योर हार्टेड सोल जिसे आईजीजी वाले ढूंढ रहे हैं। तुम्हें पता है ना कि प्रोफेसर ला एंड लूना ने 3 मिलियन ह्यूमन से बात करने के बाद मुझे चुना था एज अ प्योर हार्टेड सोल। मुझे नहीं पता कि आई एम द चोजन वन और नॉट, बट मुझे उनके विश्वास पे विश्वास है। पर देव चलो अब मेरे पैकिंग में मुझे हेल्प करो। हाँ वो सब तो ठीक है, पर आई थिंक देव तुम्हें निक को बता देना चाहिए, बिकॉज आयशा की डेथ के बाद तुम निक से कभी भी इतना दूर नहीं गए हो। ठीक है निक बेटा, पापा को आपसे एक बात करनी थी। आप मुझे कहीं घुमाने ले जा रहे हो? नहीं बेटा, आपके पापा कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जा रहे हैं। पापा आप कहाँ जा रहे हो? बेटा एक्चुअली मैं। आप वापस कब आओगे? ये तो बेटा मुझे भी नहीं पता, क्या पता कभी मैं वापस भी आ पाऊँ या नहीं। जल्दी ही वापस आऊंगा बेटा। निक जिसने अपनी माँ खो दी है, क्या वो अपने पापा के बगैर रह पाएगा? और क्या उसकी एलियन से मिलने की इच्छा हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी? जानने के लिए देखें अगला एपिसोड और तुरंत करें लाइक एंड शेयर अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ।